ठीक कहा तुमने, मेरे भाई का सपना तोड़कर एकदम सही किया तुमने। आपको किसने बताया मैं यहाँ हूँ? मैं बस जा ही रही थी। सही सोचा, तुम्हें अभी यहाँ से जाना ही चाहिए। आज आपने जो बाजी को सीख दी है ना, अवश्य ही उसे अपने पूरे जीवन में भुला नहीं पाएगा, और शायद इसीलिए मेरे छोटे भाई ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय ले लिया? ठीक तो है ना वो? कहाँ है बाजी? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, अभी के अभी देवसू से निकल जाओ, वरना। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं था बाजी का दिल दुखाने का। मैं अरे वाह उत्तरा, कितनी सुंदर कढ़ाई की है ना? अच्छी है मायरी, सचमुच मैंने तो ये बाजी की बहू के लिए बनाई थी। अगर आप कहो तो शगुन में उसको यही साड़ी दे दे। हाँ हाँ बिल्कुल, यही साड़ी देंगे और बहुत सुंदर लगेगी संध्या इसमें। हाँ मायरी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बाजी इतना बड़ा हो गया है कि उसकी शादी हो रही है, और वो भी कितनी सुंदर और सुशील लड़की मिली है। जब से तुमसे मिला हूँ उस दिन से मेरे दिल में बेचैनी थी। इस बेचैनी का असली अर्थ प्यार है कुलपकड़ी, प्यार। मेरे भोले भाले भाई के जीवन के साथ मैं तुम्हें और नहीं खेलने दूंगा। आज आपने जो बाजी को सीख दी है ना, अवश्य ही उसे अपने पूरे जीवन में भुला नहीं पाएगा, इसीलिए मेरे छोटे भाई ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। आपको यकीन नहीं होगा कि आज क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ? आपको पता चलेगा ना तो आप मेरी पेमेंट दुगनी कर दोगे। आपने मुझे देवसु भेजा था ताकि वो सेठ जी मेरी शादी किसी लड़के से तय करते। आपको पता है सेठ जी मेरी एक्टिंग से इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्होंने मेरी शादी अपने छोटे बेटे बाजी के साथ ही तय कर दी। या? हाँ, तू बहू बनेगी सेठ जी की? हाँ, पहले तो मुझे लगा कि वो पहलवान बाजी रिश्ते से मना कर देगा, पर आज मुझे पता लगा कि वो बाजी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। वाह क्या खबर सुनाई है तूने, वाह मजा आ गया। बस सेठ जी के बेटे को शादी के बाद खून के आंसू लगा। ध्यान रखना, अपना प्लान पूरा होने तक तुम्हें ऐसे ही अबला और बेबस नारी की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग की तो आप टेंशन मत लो, मेरे होने वाले पति परमेश्वर बाजीराव को भी शक नहीं होगा। बाजी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, कौन है ये आदमी? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट दिख रहा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखने, ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं?
अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी